हेलो एवरीवन, आज मेरे पास एक मैकबुक प्रो ए 2141 का मॉडल है जिसमें नो पावर का इश्यू है। उसका मैं मदरबोर्ड ओपन किया है, लॉजिक बोर्ड आप देख सकते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 12.5 वोल्ट जो है पीपी बस G3 वो पूरी लाइन शॉर्ट है, टोटली 0-0 दिखा रहा है। तो इसमें मैंने सर्च किया तो जितने भी पीपी बोस का G3 का जितने भी कंपोनेंट्स है, लाइक आप डायग्राम में देख सकते हो इसके बोर्ड व्यू में जितने भी येलो मार्क है वो पूरा टोटली शॉर्ट है। बैक साइड में है टोटल जितने भी येलो मार्क है वो पूरा टोटली शॉर्ट है, क्योंकि G3 अपना पीपी बोस G3 टोटली शॉर्ट है। यहाँ पर जितने भी ये येलो मार्क है सबके सब शॉर्ट दिखा रहे हैं, 0-0 दिखा रहे हैं, ग्राउंड टू शॉर्ट। तो मैंने अभी इसका मल्टीमीटर में चेक किया तो आपको मैं दिखाता हूँ। मल्टीमीटर में मैं अभी ये आपको कंपोनेंट दिखाता हूँ, लाइक सो मेनी कंपोनेंट्स, लाइक 0-0 है, ग्राउंड टू बैक ये शॉर्ट है। अगर कोई भी ग्राउंड से मैं इसको चेक करेंगे तो ये 0-0 दिखा रहा है बोथ साइड। ये बहुत सारे कंपनी से कि यहाँ पे 0-0 है, लाइक मैं यहाँ पे भी इसको देखूँगा, इसको यहाँ पे ये सब है, ओके है 0-0, ये भी 0-0 दिखा रहा है, ग्राउंड पर शॉर्ट दिखा रहा है। आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको ये जो प्रॉब्लम है अपना इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तकरीबन देखने जाए तो यहाँ पे एक 15-20-25-30 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें डायरेक्टली शॉर्ट पीपी बस जहाँ पे जाती है वो पूरा कंपोनेंट शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको इजी तरीका क्या है, अभी सभी को हम लोग एक एक कंपोनेंट्स निकालने जाए तो अपने को पता नहीं चलेगा, कोई जला भी नहीं है, कोई फूटा भी नहीं है, तो हम लोग को ऐसे विजिबल दिख ही नहीं रहा है कि वो कौन सा पार्ट निकाले हैं कौन सा नहीं निकाले। तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन किया क्या है कि डायरेक्टली उसको वोल्टेज जो है उसको मैंने इंजेक्ट किया है, और जो पीपी बस को जितना वोल्टेज उसको लगती है वो वोल्टेज मैंने इंजेक्ट किया है, और उसको मैं जो शॉर्ट रहेगा वो हीट अप होएगा, जो भी कंपोनेंट्स शॉर्ट रहेंगे वो हीट अप होएगा। तो जो कंपोनेंट्स यहाँ पे शॉर्ट अभी इसमें शॉर्टिंग रिमूव हो गया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्टिंग जिधर था वो शॉर्टिंग रिमूव हो गया।
Cheers.